नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुनिया कैसे बनाई जाती है, वो भी 20 इंच लंबी। और ये हमने बनाई है तो इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाई है। सबसे पहले आपको 17-18 इंची की एक प्लाई ले लेनी है, 6 mm हो या 9 mm, और लंबाई आप जितनी रखना चाहो उतनी रख लो। और इसको एक धार को जिधर से अपन को गुनिया में सीधा करना पड़ेगा, जिधर से अपन को गुनिया बनानी है, तो जैसे मैं इसको सीधा कर लूँगा और एकदम बॉटम से चेक करके ही फिर लगाना, क्योंकि ये बाद में रद्दा लगाने से बिगड़ती है। जैसे कि हमारे देखो, इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, एकदम सीधे पट्टे से सीधा है पूरा। ठीक है, सीधा कर लिया हमने। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी दो पट्टियों की, वो भी एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम बॉटम में बाल जितना, जैसे आप कि आप देख रहे हो, बिल्कुल फ़र्क नहीं है इसमें। और अब हम गुनिया से निशान कर लेंगे। और इन पट्टियों पे फेविकॉल लगा लेंगे ताकि ये भविष्य में कभी इधर उधर ना हो। और वापस से इसमें किली से इसको ठोक लेंगे, जैसे हम किली ठोक रहे हैं इसमें। पहले एक किली पूरी ठोक लेंगे इसमें, फिर गुनिया से चेक करेंगे, तब जाके दूसरी अभी इसको टच कर लेंगे गुनिया से एकदम, जहाँ पे भी सेट आ रहा हो अपना। और ध्यान रखना है आपकी जो लोहे की गुनिया है वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी उसमें डाउट आए, फ़र्क होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क बताएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपके। ये जैसे टच करके हम इसको किली को बढ़ा देंगे, ये टच करके, ठीक है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, एक किली गढ़ा दी हमने और ये सीधा इसे टच कर लिया, अब दूसरी किली गढ़ा देते हैं। ये बन के लगभग तैयार है। और अब सारी बहुत, ये देखो कहीं पे भी फ़र्क नहीं है इसके अंदर। और अब इसमें खिलियों से पकड़ा देंगे इसको, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्नीचर से जुड़े हुए वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और आपकी कोई भी परेशानी है वो हमें कमेंट करके बताइए, हो सकेगा हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ठोक लिया हमने, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस काट लेते हैं ताकि ये पूरी स्ट्रेट ना रहे, निशान कर लेंगे इसमें। अब हम इसकी जो पट्टियाँ बाहर की तरफ हैं उनको काट लेंगे बराबर करके। और अब हम इसके पीछे से रंदा लगा लेंगे, जो भी पट्टी कम ज़्यादा है तो उसको एकदम लेवल में कर लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके। ये हमने रंदा लगा लिया इस पर। थोड़ा सा है इसको भी लगा लेते हैं, एकदम साफ हो जाएगा, सिलाई के लेवल होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, माइका दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब हमारा इसको चेक कैसे करते हैं, तो एक तो ये चीज़, एक तरीका ये है कि इसको यहाँ से ऐसे दोनों तरफ से गुनिया लगा लें, तो जो एक उसका क्रॉस नाप, उसके लिए आपको ये पाटिया एक नाप का होना चाहिए। जैसे कि 16 इंची है मेरा, इधर इधर भी 16 इंची है, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस नापते हैं, तो मेरे हिसाब से ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत तो इधर उधर टेप पकड़ने में हो जाता है,
अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। अब आपका क्या है, जो प्लाई है ना, दोनों तरफ से बॉटम में होनी चाहिए और एक साइज में होनी चाहिए। और अब हम इसको एक बार कटर से काट के चेक करेंगे। जैसे कि हमने ये काट लिया, कट गया। अब ये तो, ये वाली धार तो आपको पता है कि ये तो सही आएगी आएगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये देखो, ये जैसे कि ये बराबर है मेरे, जिधर से कटी है उधर से तो बराबर आएगी। अब आपको क्या करना है, इसको पलट के, अगर गुनिया आपकी सही होगी तो एकदम बराबर आएगी। ये देखो, ये एकदम से बराबर आई है, ठीक है। और एक तरीका और है कि ये जो प्लाई कटी है तो आप लोहेखन की जो गुनिया होती है उसके चेक कर सकते हैं कि, जैसे कि ये देखो मेरी एकदम बाल जितना भी फर्क नहीं है, ठीक है। गुनिया बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।